तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखते हैं हम लोग के व्हाइल लूप कैसे यूज़ करनी है पाइथन में। इससे पहले हम लोगों ने फॉर लूप किया था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि क्या सिंटेक्स है, क्या डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जिससे हम लोग फॉर लूप को रन कर सकते हैं। व्हाइल लूप देखते हैं कि व्हाइल लूप की क्या सिंटेक्स है और कैसे उसको यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करेंगे। इनिशियलाइजेशन मीन्स के व्हाइल लूप को या लूप को हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, वो इनिशियल वैल्यू। तो मैंने वो इनिशियल वैल्यू ले ली, आई की वैल्यू 1, कोई वेरिएबल जिसको मैंने एक इनिशियल वैल्यू दे दी है आई। उसके बाद मैंने यहाँ पर लूप लिखा और मैंने कंडीशन दी, ये लूप मेरा तब तक चलना चाहिए जब तक मेरी इस आई की वैल्यू को, जब तक ये 5 तक नहीं पहुँचती है, यू मीन्स 5 से बड़ी नहीं होती है। तो जब तक आई की वैल्यू 5 से लेस देन और इक्वल टू रहेगी, तो तब तक ये लूप आपका एग्जीक्यूट करता रहेगा। लूप की बॉडी के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिख दिया है, एक मैसेज कोई भी, हेलो स्टूडेंट्स। और इसके साथ मैंने यहाँ पर एक स्टेप वैल्यू दे दी है, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। तो इसके बाद देखते हैं कि अब इसे एग्जीक्यूट कैसे होगा। इसे एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो देखिए, आई की वैल्यू 1 को मैंने आई को मैंने 1 से इनिशियलाइज किया हुआ है, और यहाँ पर आई की वैल्यू जो है वो आपकी लेस देन इक्वल टू 5 रहेगी, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे आई की वैल्यू 5 से कम है, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये लूप के अंदर जाएगा और ये एक बार आपको मैसेज प्रिंट कर देगा, हेलो स्टूडेंट। और फिर ये आई की वैल्यू में 1 से इंक्रीमेंट करेगा, यानी आई की वैल्यू 1 से हो जाएगी 2, और फिर 2 के बाद ये फिर से जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, स्टिल आई की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 है, तो ये फिर से ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा कंडीशन ट्रू होने पर, और फिर आई की वैल्यू कर देगा 3, और 3 होने पर ये फिर से 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन चेक करेगा, फिर से ये बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा कंडीशन ट्रू होने पर, और फिर आई की वैल्यू कर देगा 4। फिर 4 पर स्टिल लेस देन इक्वल टू 4 जो है वो 5 के लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ये फिर से कंडीशन ट्रू होने पर हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट करेगा, और फिर यहाँ पे आई की वैल्यू कर देगा 5। स्टिल 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू कर रहा है, और फिर से ये आपको हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट कर दे देगा, और आई की वैल्यू हो जाएगी 6। तो 6 टाइम जो है वो आई की वैल्यू क्योंकि 6 हो जाएगी, और 6 होने पर आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होगी, क्योंकि 6 जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप जो होगा उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, लूप जो होगा वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर मैं इस लूप को एग्जीक्यूट करता हूँ तो इट विल एग्जीक्यूट 5 टाइम्स एंड इट विल एग्जीक्यूट इट्स बॉडी 5 टाइम्स, मीन 5 टाइम्स हेलो स्टूडेंट्स आपका मैसेज शो हो जाएगा। तो देखते हैं इसको रन करके, पहले सेव कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर loop.py के नाम से सेव कर लिया है डेस्कटॉप पर, और अब इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए, ये 5 टाइम जो है हेलो स्टूडेंट्स आ गया है। मोर ओवर, यू कैन ऑल्सो प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई फॉर विच आपकी जो बॉडी है वो ट्रू हो रही है। तो आई की वैल्यू हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि आई की किस वैल्यू पर जो है वो लूप आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं फर्दर। तो यहाँ पर देखिए, आई की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, ये आई की हर उस वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा जिस वैल्यू पर ये कंडीशन ट्रू कर लूप बॉडी में आया था। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 पर कंडीशन ट्रू हुई थी, इसने फर्स्ट टाइम जो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट की थी वो तब, उसके बाद उस वक्त आई की वैल्यू 1 थी। उसके बाद फिर आई की वैल्यू 2 पे की, आई की वैल्यू 3 पर, 4 पर, 5 पर, और फाइनली 6 पर ये टर्मिनेट हो गया था। तो इसलिए आई की वैल्यू ये 1 से लेकर 5 तक प्रिंट कर रहा है अलॉन्ग विद हेलो स्टूडेंट। अब देखिए, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक हेलो स्टूडेंट के संग मैसेज आपको प्रिंट हुआ दिख जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस करके आप यहाँ पर लूप को और फर्दर समझ सकते हैं कि कैसे काम कर रहा है। अब देखते हैं कि लूप को रिवर्स ऑर्डर में कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसको इनिशियलाइज किया है एक बड़ी वैल्यू के साथ, और एक कंडीशन में यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो देखिए, ये जो लूप है वो आपका एग्जीक्यूट होगा, स्टार्ट होगा आई की वैल्यू 10 से, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ -1। तो आई की वैल्यू 10 से ये कंडीशन आपकी स्टार्ट होगी, चलिए 5 ले लेते हैं, फिर उसके बाद 10 से चेंज कर देंगे। तो आई की वैल्यू 5 से ये कंडीशन को स्टार्ट करेगा, इनिशियलाइजेशन करेगा, और 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू होगी, और कंडीशन ट्रू होने पर ये लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा फर्स्ट टाइम, और आई की वैल्यू कर देगा 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पर -1 है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4। 4 स्टिल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो ये 4 पर लूप को फिर से एग्जीक्यूट करेगा, और फिर आई की वैल्यू कर देगा 3, फिर आई की वैल्यू कर देगा 1, सॉरी 2, फिर उसके बाद 1। तो ऐसे ये 5 टाइम जो है वो रिवर्स ऑर्डर में आपकी आई की वैल्यू मूव करेगी। 5
आप देखिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो ये आपको प्रिंट कर रहा है 5 से लेकर 1 तक। अब देखिए ऐसे यहाँ पर छोटा सा और कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 50 कर दिया तो ये 50 से लेकर 1 तक प्रिंट कर देगा। देखिए ये देखिए 50 से लेकर इसने 1 तक प्रिंट किया, स्टार्ट किया था इसने 50 से और इसने 1 तक आपको प्रिंट करके दे दिया। और भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर 10 से लूप स्टार्ट किया और आपने एक एक करके डिक्रीमेंट ना करके आपने दो दो का आपने डिक्रीमेंट कर दिया है तो ये पहले 10 पर कंडीशन ट्रू करेगा, 10 पर कंडीशन ट्रू करने के बाद लूप बॉडी में जाएगा और लूप बॉडी में जाने के बाद वो आई की वैल्यू 10 के बाद फिर डायरेक्ट कर देगा 8, 8 पे फिर से कंडीशन ट्रू होगी, 8 के बाद 6 कर देगा, 6 पे कंडीशन ट्रू होगी, 4 कर देगा, 4 पे कंडीशन ट्रू होगी, फिर 2 कर देगा और 2 पर भी कंडीशन जब ट्रू होगी तो ये आई की वैल्यू कर देगा 0 और 0 पे फिर कंडीशन फाइनली आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी आई की वैल्यू जिस जिस पर ये लूप एग्जीक्यूट होगा वो होगी आपकी 10, 8, 6, 4 एंड 2। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए 10, 6, 4, 8, 6, 4, 2 ये जो है वो आपकी आई की वैल्यू आ जाएगी। और वैसे अगर आप यहाँ पे 3 से अगर डिक्रीमेंट करेंगे हर बार 3-3 का अगर आप गैप रखेंगे तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले 10 आएगा फिर 7 आएगा और फिर आगे फर्दर आप देखते हैं कि क्या आंसर इसमें आपको दिख रहा है। तो ये देखिए फिर 10, 7, 4 और फिर 1 पर ये आपका लूप एग्जीक्यूट हो गया है। अब चलिए देखते हैं कि हाउ टू एग्जीक्यूट लूप इनफाइनाइटली। तो देखिए अगर कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें लूप को इनफाइनाइट एग्जीक्यूट करना होता है तो इनफाइनाइट लूप एग्जीक्यूट करने के लिए किसी वेरिएबल को लेने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल से भी कर सकते हैं बट अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम वेरिएबल को यूज करेंगे ही, डायरेक्टली यू कैन राइट हियर ट्रू। तो देखिए ट्रू लिखने से यहाँ पे ये होगा कि आप यहाँ पर व्हाइल आपने यहाँ पे कंडीशन की जगह ट्रू लिखा है, इसका मतलब ये होगा कि अभी आपने यहाँ पर कंडीशन को हमेशा के लिए ट्रू कर दिया है और ये हमेशा कंडीशन को ट्रू कर कर इनफाइनाइटली लूप को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो चलिए जरा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए ये इनफाइनाइटली इसने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। इस लूप को टर्मिनेट करने के लिए आपको यहाँ पर शेल में जाकर रीस्टार्ट शेल करना होगा और ये आपका स्टॉप हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, आप ट्रू की जगह पर 1 भी लिख सकते हैं और 1 से भी आपका इन्फाइनाइट लूप एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपको अगर लूप को इन्फाइनाइटली एग्जीक्यूट करना है तो आप ट्रू और 1 लिख सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे ट्रू की जगह अगर आप लिख देते हैं फॉल्स, तो फॉल्स लिखने का मतलब है कि फर्स्ट टाइम ही आपकी जो वैल्यू होगी जो आपकी कंडीशन होगी वो फॉल्स हो जाएगी और आपको जो लूप होगा वो एक बार में ही टर्मिनेट हो जाएगा, यानी एक बार भी नहीं चलेगा। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा और ये आपका लूप आपका पहली बार में टर्मिनेट हो गया। तो आप फॉल्स लिखें या आप 0 लिखें एक ही बात है, यहाँ पे भी आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ये देखिए कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। तो सिंपल है इन्फिनिट लूप चलाने के लिए, इधर यू कैन राइट ट्रू और 1 इन प्लेस ऑफ कंडीशन, और अगर आप फॉल्स और 0 लिख देते हैं तो आपका लूप पहली बार में ही फॉल्स हो जाएगा।